दोस्तों आज मैं स्पाइडरमैन लवर्स के लिए स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं और ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें सभी स्पाइडरमैन आपको एक ही मूवी में नजर आएंगे। मूवी की स्टार्टिंग माइल्स नाम के एक लड़के से होती है जिसे स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए वो ग्रेफिटी बना रहा होता है और आज उसे वीकेंड खत्म होने पर फिर से स्कूल जाना था क्योंकि माइल्स अपने स्कूल में ही रहा करता था जो कि वीकेंड्स में अपने घर आया करता था। माइल्स स्पाइडरमैन का काफी बड़ा फैन था लेकिन इसके फादर स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे। माइल्स की लाइफ सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही निकल रही थी। वह अपने फादर से तो ज्यादा अटैच नहीं था लेकिन अपने अंकल एरन से बहुत ज्यादा अटैच था। इसी कारण फ्री टाइम होने पर वह अपने अंकल एरन के पास जाया करता था। वो देखते हैं कि माइल्स ने बहुत अच्छी ग्रेफिटी डिजाइन की है तो वो उसे एक सबवे पर लेकर जाते हैं। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था इसलिए उसे बड़ी सी वॉल मिलने पर वह अपनी स्प्रे पेंटिंग का कमाल दिखाने लगता है। जब वह अपनी एक ग्रेफिटी खत्म करता है तो एरन उसकी तारीफ करते हैं। वह बोलते हैं कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो। फिर एरन को कॉल आता है और वो माइल्स को वहाँ से चलने को कहता है। माइल्स वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स को बाइट कर लेता है। रेडियो स्पाइडर के माइल्स को बाइट करते ही उसके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उसके सेल्स डबल होने लग जाते हैं। माइल्स उस स्पाइडर को मारकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने रूम में आकर सो जाता है। वो सुबह उठकर देखता है कि उसकी हाइट बढ़ गई है और वो जब स्कूल जाता है तो उसका हाथ एक लड़की के बाल से चिपक जाता है जिससे उसके बालों को काटना पड़ता है और अब वो ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गया था। और सबसे मेन चीज कि वो जिस भी चीज को छू रहा था उससे वह चीज चिपकने लग गई थी। स्कूल से भागते हुए वह दीवारों पर सीधा चलने लग गया था। वह अगर कॉमिक बुक भी पढ़ रहा था तो वह भी उसके हाथों पर चिपकने लग रही थी। वो कॉमिक बुक में देखता है कि ये जो सब उसके साथ हो रहा है वो स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ था, यानी कि वो भी एक स्पाइडरमैन है और अब दो दो स्पाइडरमैन हो चुके हैं। लेकिन माइल्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था इसीलिए वह अपने अंकल एरन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद मुझे एक बार उस स्पाइडरमैन को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि यह सब मेरी गलतफहमी हो। जब वो वापस से सबवे में जाता है और स्पाइडर को देखता है तो वह सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। और तभी वहाँ पर माइल्स अपनी आंखों के सामने देखता है कि स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन से फाइट कर रहा है। माइल्स ये सारी चीजें छुपके से देख रहा होता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जब माइल्स और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की वाइफ जब मैच करती है तो पीटर पार्कर समझ जाता है कि माइल्स भी स्पाइडरमैन है और वो माइल्स को कहता है कि मुझे लगता था कि आज तक सिर्फ मैं ही स्पाइडरमैन हूं, और उसे बताता है कि यह मशीन एक कोलाइडर है जिसे मुझे खत्म करना है। और तब इसके बाद में स्पाइडरमैन वापस से कोलाइडर पर पहुंचता है और वो उस कोलाइडर को तबाह करने के लिए उसमें एक चिप लगाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। फिर ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। यह सारी चीजें किंग पिंग कंट्रोल रूम में खड़ा देख रहा था और वो सुपर कोलाइडर को भी एक्टिवेट कर देता है। सुपर कोलाइडर वो होता है जो कि डायमेंशन को बताता है, यानी कि कुछ दूसरे डायमेंशन में से आप इंसानों को वापस ला सकते हैं या फिर इंसानों को वापस से किसी दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे निकलती हुई रेंज पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। कोलाइडर स्टार्ट होने के बाद वो मॉन्स्टर स्पाइडर को कोलाइडर के बीच में लेकर आ जाता है जिसके कारण एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और स्पाइडरमैन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। माइल्स जब स्पाइडरमैन के पास आता है तो वो अपने पास रखी पेन ड्राइव माइल्स को दे देता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस कोलाइडर को तबाह करोगे क्योंकि अगर यह वापिस से एक्टिव हुआ तो हमारा अर्थ नहीं बच पाएगा। माइल्स स्पाइडरमैन से वादा करता है और स्पाइडरमैन उसे वहां से जाने को कहता है। वो वहां से जाने लगता है कि तभी किंग पिंग स्पाइडरमैन के पास आता है। किंग पिंग जब देखता है कि स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है तो वह उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। ये देख माइल्स डर जाता है कि तभी उसे प्रॉब्लम देख लेता है और वह उसके पीछे बहुत दूर तक भागता है। माइल्स अपनी जान बचाकर अपने घर में पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स माइल्स को देखने पर कहते हैं कि तुम यहां पर कैसे आए। तो माइल्स कहता है कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूं। अब हर जगह न्यूज चैनल पर यह इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब माइल्स खुद भी स्पाइडरमैन का एक ड्रेस खरीदता है और उसके बाद में उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां पर पीटर पार्कर की वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट दे रही थी। सभी लोग पीटर पार्कर को याद कर रहे थे और सभी लोगों ने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन रखा था। माइल्स को लगता है कि अब स्पाइडरमैन की
जगह उसे लेनी पड़ेगी। इसी कारण वह सारी चीजें ट्राई करता है जो कि स्पाइडरमैन किया करता था, और वो बिल्डिंग से जंप लगाने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है, जिससे स्पाइडरमैन का दिया हुआ पेन ड्राइव टूट जाता है, जिसके बाद वो पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की कब्र पर जाता है ताकि वो पीटर पार्कर से माफी मांग सके। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है, माइल्स डर की वजह से उस पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। माइल्स देखता है कि उसने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना था, यानी कि वह भी स्पाइडरमैन है, लेकिन इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। तो दिखाया जाता है कि उसका नाम पीटर बी पार्कर है, और जब वो डायमेंशन ओपन हुआ था तब वो इस डायमेंशन में आ गया, और जब पीटर पार्कर कोलाइडर को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था तो उसी कोलाइडर के अंदर से दूसरे स्पाइडरमैन भी बाहर आने लग गए थे। यह स्पाइडरमैन जिस यूनिवर्स में से आया था उसमें पीटर बी पार्कर अकेला स्पाइडरमैन था, जो कि करीबन 40 की एज का था, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो कि मोटा और आलसी हो चुका था। कोलाइडर एक्टिवेट होने के कारण वह इस प्रेजेंट डायमेंशन में पहुंच चुका था, यानी कि माइल्स वाले डायमेंशन में। माइल्स उसे रेस्क्यू करता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका था, और वहां से भागता है कि दोनों एक मेट्रो के ऊपर स्टक हो जाते हैं। इसी कारण सारी ट्रैफिक में से टकराते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर बी पार्कर खुद को फ्री कर लेता है। माइल्स और न्यू स्पाइडरमैन जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि और ज्यादा भी हो सकते हैं। माइल्स वहां पर बताता है कि जब वह अपनी पावर ट्राई कर रहा था तो उसी के बीच में पेन ड्राइव टूट चुका था, और अब वो कोलाइडर को बंद नहीं कर पाएगा, और अब इन दोनों के बीच में यही डील होती है कि कोलाइडर को बंद किया जाए जिससे कि बाकी लोग अपने डायमेंशन में पहुंच सके। इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए इन्हें फिर से किंग पिंग के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो दोनों ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन माइल्स को अभी भी स्पाइडरमैन की पावर कंट्रोल करना नहीं आता है, तो पीटर बी पार्कर उसे बाहर ही रुकने का कहता है। अब यहाँ पर पीटर बी पार्कर अंदर पहुंच जाता है जबकि माइल्स वहाँ बाहर ही खड़ा था। माइल्स को लगता है कि मैं फिर से इस डायमेंशन के अंदर आए हुए स्पाइडरमैन को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, इसी कारण वो स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है। अब वहाँ पर हमें एक नया करेक्टर दिखाया जाता है, ओलिविया ऑक्टोविया। वहाँ पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि माइल्स को जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा था, इसी कारण माइल्स में हम लोगों से ज्यादा पावर है, यानी कि उसके पास में इनविजिबल होने की पावर है। जब वहाँ पर ओलिविया पहुँचती है तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी वजह से वह पूरा का पूरा सीपीयू उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जब ओलिविया पीटर बी पार्कर को देखती है तो वह सोचती है कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो पीटर बी पार्कर का जबरदस्ती हेल्थ चेकअप करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इसके सेल्स तो सड़ते जा रहे हैं। फिर उसे समझ में आता है कि जब कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था इसी कारण दूसरी डायमेंशन का स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में आ चुका है, और इसी वजह से उसके सेल्स बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि इस डायमेंशन में यह स्पाइडरमैन ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। और फिर वो अपने असली रूप में आती है, यानी कि ऑक्टोपस वाले रूप में, और पीटर बी पार्कर पर हमला करने लगती है, लेकिन माइल्स सीपीयू लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऑक्टोविया उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो इनविजिबल था। माइल्स और स्पाइडरमैन सीपीयू को लेकर बाहर तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ओलिविया भी पहुँच जाती है, और तब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड स्पाइडरमैन यानी कि एक वुमन स्पाइडरमैन, ये थी ग्वेन। हालांकि इस डायमेंशन के अंदर ये माइल्स की क्लासमेट है, लेकिन ये जिस डायमेंशन से आई थी वहाँ पर यह एक फीमेल स्पाइडरमैन थी जिसका पार्टनर स्पाइडरमैन था। ग्वेन खुद की स्टोरी बताती है, और अब हम यहाँ पर किंग पिंग का भी पास्ट देखते हैं। एक दिन किंग पिंग स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी फैमिली मेंबर यानी कि वाइफ और उसका बेटा किंग पिंग को देख लेता है, और वो उससे डरने लग जाते हैं, और वह उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और किंग पिंग की फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी कारण उसने सुपर कोलाइडर को बनाया था ताकि वह अपनी फैमिली को वापस ला सके। अब वुमेन स्पाइडरमैन, माइल्स और पीटर बी पार्कर इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पर जाते हैं, जहां उन्हें पीटर पार्कर की आंट मिलती है। वो पीटर बी पार्कर को देखकर समझ जाती है कि यह मेरा पीटर पार्कर नहीं है, और इसी के साथ में वो इन लोगों को कहती है कि तुम लोगों ने आने में तो काफी देर लगा दी। आंटी इन तीनों को वहां ले जाती है जहां पर स्पाइडरमैन का सीक्रेट रूम था। यहां पर वह अलग अलग डायमेंशन से आए तीन और स्पाइडरमैन से मिलते हैं। पहला स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन नोयर वर्जन था, दूसरा पेनी पार्कर जो कि एक जेपेनिस वर्जन थी, और तीसरा स्पाइडर हम जो कि
एक पिक था। इन सभी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। तभी पीटर भी पार्कर कहता है कि हमें अपने अपने डायमेंशन में जाने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना होगा ताकि कोलाइडर को तबाह किया जा सके। लेकिन माइल्स कहता है कि जो भी यहाँ रुकेगा उसकी भी जान चली जाएगी, इसीलिए तुम सभी लोग अपनी डायमेंशन में चले जाना और उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट मैं करूँगा। तो सभी उसे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि तुम वहाँ पर जाकर किंगपिन के लोगों से लड़ पाओगे। ये बात सुनकर माइल्स काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अब अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी टाइम से गायब था। इसी कारण वो फिर से अपने अंकल एरन के लिए निकलता है और जब वह अपने अंकल एरन के घर पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर किसी की आहट होती है और वो छिप जाता है। वहाँ पर वह प्रोवलर को देखता है। प्रोवलर जब अपना मास्क उतारता है तो वह और कोई नहीं बल्कि माइल्स के अंकल एरन थे। ये चीज देखते ही माइल्स को शॉक लगता है कि अंकल एरन प्रोवलर कैसे हो सकते हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन प्रोवलर उसे देख लेता है लेकिन वो नहीं जानता कि वो माइल्स है। उसे बस इतना ही पता था कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में एक लड़का उसके घर में घुस आया है और वो उसे पकड़ने लगता है। माइल्स पीटर पार्कर की आंट के घर पर आ जाता है जहाँ सारे स्पाइडरमैन भी थे। वह बताता है कि मेरे अंकल एरन ही प्रोवलर है। और इसी के बाद में जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर किंगपिन की पूरी टीम थी, यानी कि ग्रीन गोब्लिन, प्रोवलर, स्कॉर्पियन सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वह सभी लोग इस डायमेंशन में आए हुए स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगते हैं। इन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट होने लगती है। माइल्स के पीछे प्रोवलर पड़ जाता है और प्रोवलर उसे पकड़ लेता है और उस स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी माइल्स अपना मास्क उतारता है तो प्रोवलर ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो माइल्स है। और अब एरन माइल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। किंगपिन ये सब देख रहा था और वो एरन को उसे मारने को कहता है। लेकिन जब एरन माइल्स को नहीं मारता तो इसी कारण किंगपिन एरन को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है। किंगपिन माइल्स को भी मारने ही लगता है लेकिन पीटर भी पार्कर वहां आके उसे बचा लेता है और माइल्स एरन को लेकर भाग जाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से एरन की मौत हो जाती है। और तभी वहां पर माइल्स के फादर भी पहुंच जाते हैं। माइल्स के फादर एक पुलिस वाले थे। माइल्स के फादर ने भी अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था, इसी कारण वह उसे हैंड अप करने को कहते हैं। लेकिन माइल्स इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। माइल्स के फादर को पता चलता है कि एरन की डेथ हो चुकी है और शायद इसका कारण स्पाइडरमैन ही हो। माइल्स अपने घर पर आ चुका था जहां पर बाकी के स्पाइडरमैन भी थे। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो और पीटर भी पार्कर ही इस डायमेंशन में रुककर कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सारे लोग अपनी डायमेंशन में चले जाएंगे। वह माइल्स को पूरी तरीके से बांध देते हैं और पेन ड्राइव लेकर निकल जाते हैं। माइल्स शाम होने तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पर माइल्स के फादर भी माइल्स से मिलने आते हैं क्योंकि सिटी में हो रहे इतने सारे अटैक से माइल्स के फादर को माइल्स की टेंशन थी। वो माइल्स से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस मुझसे दूर मत जाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइल्स बहुत देर तक सोचता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। और फिर जब माइल्स अपनी सारी पावर को कंसंट्रेट करता है और अपनी बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट पावर की मदद से खुद को फ्री कर लेता है, फिर पीटर पार्कर की आंट के घर पर पहुंचता है और स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और उसे खुद से कस्टमाइज करता है। और अब इतनी सारी इंसिडेंट होने के बाद में अब माइल्स ने भी स्पाइडरमैन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। और दूसरी तरफ बाकी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां कोलाइडर था। यह सभी लोग देखते हैं कि किंगपिन ने अपनी बिल्डिंग के अंदर पीटर पार्कर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है ताकि कोई किंगपिन पर शक ना करे, जहां पर सभी वेटर ने स्पाइडरमैन का ड्रेस अप कर रखा था। इसी कारण इन लोगों को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यह सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुपर कोलाइडर था। लेकिन जब तक ये लोग उस कोलाइडर को ब्लास्ट करने लगते हैं तब तक वापस से वहाँ पर ओलिविया पहुँच चुकी थी और अब माइल्स भी वहाँ आ जाता है। सब ये देख के बहुत खुश होते हैं कि माइल्स अपनी पावर यूज कर पा रहा है। अब इन सभी लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर बाकी गैंग मेंबर भी थे, यानी कि ग्रीन गोब्लिन, कोपलेन, स्कॉर्पियन, जिनसे सभी स्पाइडरमैन जोरदार फाइट कर रहे थे। फिर माइल्स उस पेनड्राइव को उसमें लगा देता है और अब बाकी स्पाइडरमैन को भेजने का टाइम हो चुका था। अब एक एक करके यह सारे स्पाइडरमैन अपनी अपनी डायमेंशन में जा रहे थे, यानी कि स्पाइडरमैन नोयर वर्जन, पेनी पार्कर और स्पाइडर हम सभी अपनी डायमेंशन में जा चुके
चुके थे। वुमेन स्पाइडरमैन भी माइल्स को गुड बाय करके अपनी डायमेंशन में निकल जाती है, लेकिन पीटर भी पार्कर वहीं रुक जाता है। तो माइल्स उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुका तो वो मर जाएगा। लेकिन पीटर भी पार्कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ किंग पिंग भी आ चुका था। तो माइल्स उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है और अब किंग पिंग की फाइट माइल्स से होती है। माइल्स के साथ में वो डायमेंशन एक्टिवेट होने के कारण किंग पिंग की फैमिली भी किंग पिंग को दिखाई देने लगती है। जब किंग पिंग की फैमिली उसके सामने आती है लेकिन उसकी फैमिली उसे नहीं देखना चाहती, तो किंग पिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह हर चीज उठाकर माइल्स पर फेंकने लगता है। माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था लेकिन अभी भी उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। माइल्स किंग पिंग की पावर के आगे तो टिक नहीं सकता था, लेकिन माइल्स के पास में जो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट वाली पावर थी वो उसी का यूज करता है और किंग पिंग को वहीं पर ढेर कर देता है। और इसके बाद में फाइनली माइल्स उस सुपर कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। यह सारी चीजें वहाँ सामने खड़े होकर माइल्स के फादर भी देख रहे थे, लेकिन माइल्स के चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क था। और अब माइल्स के फादर को समझ में आता है कि स्पाइडरमैन इस जगह का सबसे बड़ा हीरो है और उसी ने हम सभी लोगों की जान बचाई है। यहाँ माइल्स अब सोचता है कि उसके फादर टेंशन में होंगे, इसी कारण उन्हें फोन लगाता है। यहाँ माइल्स फिर से एक बार मास्क पहन के अपने फादर को हग करता है, लेकिन उनको बताता नहीं है कि वो माइल्स है और अब इस सिटी का न्यू स्पाइडरमैन माइल्स था और बाकी स्पाइडरमैन अपनी डायमेंशन में पहुंच चुके थे। गाइस, अब मैं इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम स्पाइडर ग्वेन को देखते हैं, जो ड्रम बजाते हुए अपने बीते हुए पलों को याद कर रही थी कि किस प्रकार रेडियोएक्टिव स्पाइडर काटने से उसके और माइल्स मोरेलस के पास स्पाइडर की पावर आ गई थी। और विलस ने जब अपने फैमिली को दूसरे टाइमलाइन से अपने टाइमलाइन में लाने के लिए कोलाइडर को बनाया, तो यूनिवर्स में की गई गड़बड़ी की वजह से स्पाइडर ग्वेन माइल्स के यूनिवर्स में चली गई और इस प्रकार वो पहली बार माइल्स से मिली थी। लेकिन जब माइल्स ने विलस के द्वारा बनाए गए कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, तो स्पाइडर ग्वेन वापस से अपने यूनिवर्स में आ गई और वो आज भी माइल्स को मिस करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइल्स से प्यार करने लगी थी। अब क्योंकि ग्वेन अपने यूनिवर्स की स्पाइडर वुमेन थी, इसीलिए पीटर एक नॉर्मल सा लड़का था जो ग्वेन का बहुत अच्छा दोस्त था। पीटर को ग्वेन के स्पाइडर वुमेन होने की सच्चाई पता थी, लेकिन ग्वेन के डैड को ग्वेन की सच्चाई पता नहीं थी कि ग्वेन स्पाइडर वुमेन है। ग्वेन के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वो स्पाइडर वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ग्वेन हर समय पीटर को बुली करने वाले लड़कों से बचाती थी क्योंकि पीटर एक नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन पीटर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो ग्वेन से मदद ले। इसीलिए उसने पावरफुल बनने के लिए एक दिन खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक सीरम बनाया, जिसे पीने के बाद वो एक जायंट छिपकली में बदल गया और चारों तरफ तबाही मचाने लगा क्योंकि उसे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था। पीटर को तबाही मचाता देखकर ग्वेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान चोट लगने की वजह से पीटर की डेथ हो गई, जिससे ग्वेन बहुत दुखी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जायंट छिपकली कोई और नहीं बल्कि पीटर था। अब वहाँ पर ग्वेन के डेड भी आ गए, जो स्पाइडर वुमेन को पीटर की डेड बॉडी के पास देखकर समझने लगे कि स्पाइडर वुमेन ही पीटर की कातिल है, जिससे वो स्पाइडर वुमेन से और भी नफरत करने लगे क्योंकि ग्वेन के डेड को नहीं पता था कि ग्वेन स्पाइडर वुमेन है। इसीलिए वो अब भी ग्वेन से प्यार करते थे और उससे स्पाइडर वुमेन के बारे में बात करते थे। एक दिन सिटी में कहीं से एक मॉन्स्टर बर्ड आ जाता है जो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर बर्ड को रोकने के लिए जब ग्वेन जाती है तो देखती है कि उसके डेड पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, जो मॉन्स्टर बर्ड को रोकने के लिए आए थे क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे। ग्वेन सबसे पहले अपने डेड को रोकती है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और फिर इसके बाद वो उस मॉन्स्टर बर्ड से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। अपने विजन के पावर से ग्वेन को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर बर्ड कोई बर्ड नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स का एक साइंटिस्ट है, जो किसी तरह टेलीपोर्ट होकर ग्वेन के यूनिवर्स में आ गया था। ग्वेन मॉन्स्टर बर्ड को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बर्ड के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और इससे पहले कि मॉन्स्टर बर्ड ग्वेन को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से मिगेल ओहार नाम का एक स्पाइडरमैन निकलता है, जो किसी दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था और वो
ग्वेन के साथ मिलकर मॉन्स्टर बर्ड को रोकने की कोशिश करने लगता है। ग्वेन और ओरा काफी देर तक मॉन्स्टर बर्ड से फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी मॉन्स्टर बर्ड का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ओरा मदद के लिए अपने साथी जेसिका ड्रेव को बुलाता है। जेसिका भी अपने यूनिवर्स की स्पाइडर वुमेन थी जो अपने बाइक के ऊपर से ही दुश्मनों का सामना करती थी। अब ग्वेन ओरा और जेसिका साथ में मिलकर मॉन्स्टर बर्ड का सामना करते हैं। मॉन्स्टर बर्ड सिटी में चारों तरफ खूब तबाही मचा रहा था और जब उसे रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर से सोल्जर आते हैं तो मॉन्स्टर बर्ड उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे क्रैश कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर नीचे लोगों पर गिरती, ग्वेन किसी तरह बहुत मुश्किल से ओरा और जेसिका की मदद से हेलीकॉप्टर को ऊपर ही रोक लेती है, जिससे नीचे मौजूद लोगों की जान बच जाती है। अब ओरा मॉन्स्टर बर्ड पर काबू पा लेता है और जेसिका के साथ वापस से अपने यूनिवर्स में जाने लगता है। ग्वेन जब सब कुछ ठीक करने के बाद एक जगह पर बैठी होती है तो वहाँ पर ग्वेन के डैड आ जाते हैं जो ग्वेन के ऊपर गन तान देते हैं और उसे अपना मास्क हटाने के लिए कहते हैं। दरअसल ग्वेन के डैड को नहीं पता था कि ग्वेन स्पाइडर वुमन है और वह स्पाइडर वुमन को पीटर का कातिल मानते थे। ग्वेन को ना चाहते हुए भी अपना मास्क हटाना पड़ता है और जब ग्वेन के डैड उसकी सच्चाई जानते हैं तो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि अब वो ग्वेन को पीटर के मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। हालांकि ग्वेन अपने डैड को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि पीटर की डेथ सिर्फ एक हादसा था, लेकिन ग्वेन के डैड उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ओरा जब जेसिका के साथ मॉन्स्टर बर्ड को लेकर अपने यूनिवर्स में जाने लगता है तो जेसिका उससे ग्वेन को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहती है क्योंकि अब ग्वेन अपने यूनिवर्स में बिल्कुल अकेली थी। पहले तो ओरा ग्वेन को अपने साथ ले चलने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जेसिका के रिक्वेस्ट करने पर वो इसके लिए राजी हो जाता है और ग्वेन को वॉच दे देता है, जिससे ग्वेन पोर्टल खोलकर किसी भी यूनिवर्स में जा सकती थी। अगले सीन में हम अर्थ 1610 को देखते हैं, जहां पर ब्रुकलिन सिटी में हमारा स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस रहता है। माइल्स मोरेलेस के मॉम डैड उसके स्कूल में होते हैं, जहां पर वो माइल्स के क्लास टीचर के सामने बैठकर माइल्स के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वही माइल्स सिटी में क्रिमिनल्स को रोकने में बिजी था। माइल्स ने अभी तक अपने मॉम डैड को नहीं बताया था कि वह स्पाइडरमैन है और अब उसके अंकल एरन भी इस दुनिया में नहीं थे और न ही उसकी फ्रेंड ग्वेन, जिसकी वजह से माइल्स काफी अकेला महसूस करता था। इसके बाद हम द स्पॉट नाम के एक विलन को देखते हैं जो एक शॉप में कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर माइल्स आ जाता है जो स्पॉट से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। स्पॉट की बॉडी पर मौजूद ब्लैक स्पॉट उसे किसी भी जगह या फिर किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अभी तक स्पॉट को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिसकी वजह से माइल्स स्पॉट को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, जो बात स्पॉट को बहुत बुरी लगती है। माइल्स और स्पॉट के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान स्पॉट अपनी बॉडी पर मौजूद ब्लैक सर्कल की मदद से माइल्स को काफी परेशान करता है, लेकिन वो माइल्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता था और माइल्स बड़ी आसानी से स्पॉट को डिफीट करके और नॉर्मल कपड़े पहनकर स्कूल में अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है। माइल्स की टीचर जब माइल्स के मॉम डैड को बताती है कि माइल्स के ग्रेड लगातार गिरते जा रहे हैं क्योंकि वो क्लास में काफी ज्यादा अब्सेंट रहता है, तो माइल्स के मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। माइल्स की टीचर माइल्स के मॉम डैड को सजेस्ट करती है कि वो माइल्स को न्यू जर्सी पढ़ने के लिए भेज दे क्योंकि वहाँ के कॉलेज में काफी अच्छी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। माइल्स ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो न्यू जर्सी जाकर फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन माइल्स के पेरेंट्स उसे कुछ से दूर भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अब माइल्स को स्पाइडर सेंस से पता चल जाता है कि स्पोर्ट सिटी में चारों तरफ तबाही मचा रहा है, इसीलिए वो जल्दी से अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर स्पोर्ट को रोकने के लिए निकल पड़ता है। माइल्स के डैड भी द स्पोर्ट को रोकने में स्पाइडरमैन की मदद करते हैं। माइल्स और स्पोर्ट के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और फाइट के दौरान स्पॉट माइल्स को बताता है कि उसकी वजह से ही उसे स्पाइडर की पावर मिली है। दरअसल द स्पॉट एक साइंटिस्ट था जो विलन्स के टीम में रिसर्च किया करता था। लैब में रिसर्च के दौरान स्पॉट ने गलती से किसी दूसरे यूनिवर्स से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर को अर्थ 1610 पर ला दिया था। रेडियो एक्टिव स्पाइडर
स्पॉट के लैब से भाग गई और उसने माइल्स को काट लिया, जिसके बाद माइल्स को उसकी शक्तियां मिली और वो ब्रुकलिन का नया स्पाइडरमैन बना। और इस प्रकार स्पॉट ने जाने अनजाने में माइल्स को स्पाइडरमैन बना दिया। लेकिन जब माइल्स ने विलन्स के कोलाइडर को डिस्ट्रॉय किया तो स्पॉट वहीं पर था और कोलाइडर के संपर्क में आने की वजह से उसकी हालत हो गई। स्पॉट अपने इस रूप से बहुत दुखी था, क्योंकि अब ना तो उसके पास उसकी नौकरी थी और ना ही उसके घर वाले उसके इस रूप को पसंद करते थे, जिससे स्पॉट बहुत दुखी था। स्पॉट अपने इस हालत का जिम्मेदार माइल्स को मानता था, इसीलिए वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन अपनी शक्तियों का अच्छे से यूज न करने आने की वजह से वो अपने ब्लैक सर्कल में गिर जाता है और किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। स्पॉट के वहां से जाने के बाद माइल्स अपने डैड से उनकी परेशानी का कारण पूछता है, क्योंकि माइल्स के डैड को नहीं पता था कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है। माइल्स के डैड उसे बताते हैं कि वो अपने बेटे माइल्स से बहुत दुखी है, क्योंकि वो अपनी हर बातें उनसे छिपाता है और वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। माइल्स जो इस समय स्पाइडरमैन के रूप में था, वो अपने डैड को सलाह देता है कि उन्हें अपने बेटे को खुलकर जीने देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्पॉट अपने ही ब्लैक स्पॉट के अंदर मौजूद था, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर मौजूद हर एक स्पॉट उसे किसी दूसरे डायमेंशन या किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। यह सब जानकर स्पॉट बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे अपनी असली शक्तियों का पता चल गया था और वो अपनी इन शक्तियों की मदद से माइल्स से बदला लेना चाहता था। स्पॉट जब अपने डार्क सर्कल से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर अब एक भी डार्क सर्कल मौजूद नहीं था, यानी कि अब स्पॉट कमजोर हो रहा था और उसे और भी अधिक डार्क सर्कल और पावर की जरूरत थी ताकि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके। अगले सीन में माइल्स के मॉम डैड को देखते हैं, जिन्होंने अपनी शादी की एनिवर्सरी पर अपने चाहने वालों को एक पार्टी दिया था। पार्टी में सभी लोग मौजूद थे लेकिन माइल्स नहीं था, क्योंकि वो सिटी में विलन्स को रोकने और लोगों की मदद करने में बिजी था। माइल्स के मॉम डैड काफी देर तक माइल्स का इंतजार करते रहते हैं और सभी के सामने अपनी स्पीच देकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। काफी देर के बाद माइल्स किसी तरह जल्दी से दो केक लेकर पार्टी में अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है, लेकिन जल्दबाजी में दोनों केक पूरी तरह से खराब हो चुके थे। माइल्स के मॉम डैड माइल्स से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो इतने समय तक कहाँ गायब रहता है, जिस पर माइल्स अपने मॉम डैड को समझाता है कि अब मैं 15 साल का हो चुका हूँ और आप लोगों को समझना चाहिए कि जिस समय में आप लोगों के साथ नहीं रहता उस समय कोई जरूरी काम कर रहा होगा। माइल्स के मॉम डैड माइल्स की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आखिर माइल्स के पास ऐसा भी क्या जरूरी काम होता होगा। और माइल्स के डैड उसे कहते हैं कि तुम जो कुछ भी मुझसे छुपा रहे हो वो मुझे बता दो एक पल को। तो माइल्स को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को बता दे कि वो स्पाइडरमैन है, लेकिन अपने पेरेंट्स को अपनी सच्चाई नहीं बताता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। माइल्स के डैड माइल्स को गुस्से में 2 महीने तक कमरे से बाहर न निकलने का पनिशमेंट देते हैं। अब माइल्स जब अपने कमरे में होता है तो अचानक से उसके कमरे में एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से ग्वेन बाहर निकलती है। ग्वेन और माइल्स एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और माइल्स की ड्रॉइंग से ग्वेन को पता चल जाता है कि माइल्स भी उसे बहुत मिस करता था, क्योंकि माइल्स ने अपनी ड्रॉइंग बुक में ग्वेन की बहुत सारी तस्वीरें बना रखी थी। ग्वेन माइल्स को अपने साथ कमरे से बाहर चलने के लिए कहती है। पहले तो माइल्स कमरे से बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे 2 महीनों तक कमरे से बाहर जाने से मना किया था। लेकिन ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो ग्वेन के साथ चला जाता है। माइल्स के जाने के बाद माइल्स के मॉम डैड उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माइल्स को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। लेकिन जब वो देखते हैं कि मना करने के बावजूद भी माइल्स अपने कमरे में नहीं है तो बहुत गुस्सा होते हैं और माइल्स की पनिशमेंट 1 महीने और बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइल्स और ग्वेन पूरी सिटी में खूब एंजॉय कर रहे थे और इस दौरान ग्वेन माइल्स को बताती है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में गई थी जहां पर उनकी तरह बहुत सारे स्पाइडरमैन रहते हैं। माइल्स से चुप कर ग्वेन स्पॉट के घर के बाहर एक डिवाइस इंस्टॉल कर देती है ताकि स्पॉट पर नजर रखा जा सके। अब ग्वेन और माइल्स जब एक ऊंचे टावर पर होते हैं तो ग्वेन माइल्स को बताती है कि यूनिवर्स में ग्वेन स्पाइडरमैन के प्यार में पड़ी जाती है। ये सुनकर माइल्स अपना हाथ ग्वेन की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन जब ग्वेन माइल्स को बताती है कि यूनिवर्स में उनका प्यार अधूरा रह जाता है तो माइल्स अपना हाथ पीछे खींच लेता है। माइल्स और ग्वेन एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों माइल्स के पेरेंट्स की पार्टी में आ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। माइल्स को किसी लड़की के साथ देखकर माइल्स के पेरेंट्स उसके पास जाते हैं, क्योंकि उनको
शक हो गया था कि माइल्स ग्वेन से ही प्यार करता है और उसकी वजह से ही उनसे दूर रहता है। माइल्स अपने पेरेंट्स को समझाता है कि ग्वेन सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है, लेकिन माइल्स की मॉम इशारों में ग्वेन को कहती है कि तुम कहीं माइल्स को मुझसे छीन मत लेना। अब ग्वेन की वॉच उसे अलर्ट करती है, जिससे ग्वेन समझ जाती है कि उसे वहाँ से जाना होगा। इसीलिए माइल्स के पेरेंट्स और माइल्स से विदा लेकर वहाँ से निकल जाती है। ग्वेन के वहाँ से जाने के बाद माइल्स के डैड भी किसी जरूरी काम से वहाँ से चले जाते हैं और अब सिर्फ माइल्स और उसकी मॉम वहीं पर थी। माइल्स की मॉम का एहसास होता है कि माइल्स ग्वेन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए माइल्स को उदास देखकर वो उसे ग्वेन के साथ जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन साथ ही वो माइल्स को वार्निंग देती है कि वापस आने के बाद उसके कमरे से बाहर न निकलने का पनिशमेंट जारी रहेगा। माइल्स इसके लिए राजी हो जाता है और जल्दी से अपने स्पाइडरमैन के सूट में ग्वेन के पीछे निकल पड़ता है। माइल्स इनविजिबल होकर देखता है कि ग्वेन द स्पॉट के घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले स्पॉट के घर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और इसी वजह से माइल्स के डैड अपने ऑफिसर्स के साथ बिल्डिंग के नीचे थे। 3D स्कैन से ग्वेन को पता चल जाता है कि स्पॉट ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट करके फिर से एक कोलाइडर बनाया था, लेकिन वो खुद ही कोलाइडर के डार्क स्पॉट में खींचा चला गया और इसी के बाद उसके कमरे में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। अब जेसिका ग्वेन से बात करती है और जब उन्हें पता चलता है कि ग्वेन स्पॉट पर नजर न रखकर अपने फ्रेंड माइल से मिल रही थी तो ग्वेन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि ग्वेन के लापरवाही की वजह से स्पॉट अब अपनी पावर से मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा था और लगातार एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में आ जा रहा था। जेसिका ग्वेन को किसी भी तरह जल्दी से स्पॉट को पकड़ने के लिए कहती है और अगर ग्वेन ऐसा नहीं कर पाई तो जेसिका इसके बारे में ओरा को बता देगी, जिसके बाद ओरा ग्वेन को उसके यूनिवर्स में वापस भेज देगा। अब ग्वेन को न चाहते हुए भी माइल्स को अकेला छोड़ कर पोर्टल से स्पॉट को पकड़ने जाना पड़ता है। माइल्स भी इस समय इनविजिबल होकर उसी जगह पर मौजूद था, जो ग्वेन के जाने के बाद खुद भी पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि वो ग्वेन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था। पोर्टल से होते हुए माइल्स अर्थ 50101 के मुंबाटन सिटी में पहुंच जाता है। मुंबाटन सिटी में स्पॉट अपने डार्क सर्कल की मदद से लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहा था और एक नए कल्चर को एंजॉय कर रहा था। ग्वेन लगातार स्पॉट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो माइल्स को मुंबाटन में देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान होती है और माइल्स से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। माइल्स ग्वेन को समझाता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। और अगले पल माइल्स की बॉडी में ग्लिच आने लगते हैं, क्योंकि वो इस समय किसी दूसरे यूनिवर्स में था, जिसकी वजह से ग्वेन माइल्स से छूटकर नीचे गिरने लगती है। ग्वेन को बचाने के लिए माइल्स तेजी से नीचे जाता है, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों नीचे गिरते वहाँ पर मुंबाटन सिटी का स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर आ जाता है, जो उन दोनों को बचा लेता है। पवित्र प्रभाकर मुंबाटन में अपनी आंटी माया के साथ रहता था और पिछले 6 महीनों से मुंबाटन का स्पाइडरमैन था। पवित्र प्रभाकर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था गायत्री। पवित्र गायत्री से बहुत प्यार करता था, लेकिन गायत्री के डैड इंस्पेक्टर सिंह को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब माइल्स पवित्र प्रभाकर और ग्वेन के साथ मिलकर स्पॉट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अब स्पॉट बड़ी आसानी से उन्हें डिफीट कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। स्पॉट स्पाइडरमैन से बचते हुए मुंबाटन के रिसर्ले में चला जाता है और बाहर एक इलेक्ट्रिक दीवार बना लेता है, जिसे स्पाइडरमैन पार नहीं कर सकते थे। लैब के अंदर स्पॉट कोलाइडर को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि वो हर यूनिवर्स में जाकर वहाँ के कोलाइडर को एक्टिवेट करके अपने पावर बढ़ा रहा था। और अब बारी मुंबाटन के कोलाइडर की थी। दरअसल कोलाइडर एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे किसी भी डायमेंशन या फिर मल्टीवर्स में जाया जा सकता था, और स्पॉट को अपनी पावर कोलाइडर से मिली थी। माइल्स दीवार के इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिकल पल्स की मदद से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि स्पॉट को रोका जा सके, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मदद के लिए एक दूसरा स्पाइडरमैन आ जाता है, जिसका नाम था स्पाइडर पंक।
स्पाइडर पंक एक रैपर था और वो अपने गिटार से पावरफुल साउंड निकाल कर बड़ी आसानी से उस दीवार को तोड़ देता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सारे स्पाइडर मैन साथ मिलकर भी इस स्पॉट को कोलाइडर एक्टिवेट करने से नहीं रोक पाते हैं और कोलाइडर एक्टिवेट होने के बाद इस स्पॉट खुद कोलाइडर के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो बड़ी आसानी से मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता था। इस स्पॉट अब इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो माइल्स को फ्यूचर का एक विजन दिखाता है, जिसमें उसके डेड और इंस्पेक्टर सिंह एक हादसे में मारे जाते हैं। विजन देखकर माइल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और अब कोलाइडर की वजह से वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसलिए ग्वेन माइल्स को अपने साथ बिल्डिंग से बाहर ले जाती है। अब वो पूरी बिल्डिंग बीच में से टूटकर नीचे गिरने लगती है और नीचे बहुत सारे लोग थे जो बिल्डिंग के नीचे गिरने से उसके नीचे दबकर मारे जाते। इसलिए माइल्स, ग्वेन, स्पाइडर पंक और पवित्र प्रभाकर के साथ मिलकर लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। माइल्स अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को बचाता है और सारे स्पाइडर मैन एक अच्छा टीम वर्क करते हैं। हादसे के दौरान जब एक बस फ्लाईओवर से नीचे गिरने लगती है तो पवित्र प्रभाकर किसी तरह उस बस को पकड़ लेता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र की गर्लफ्रेंड गायत्री थी, जिसे प्रभाकर किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। लेकिन इसी दौरान जब एक छोटी बच्चे के ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरने वाला था तो इंस्पेक्टर सिंह उस लड़की को बचाने जाते हैं और खुद भी वहां पर फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनके ऊपर बिल्डिंग का ढेर सारा मलबा गिरने वाला था, जिससे उनकी डेथ हो सकती है। पवित्र एक साथ इंस्पेक्टर सिंह और गायत्री को नहीं बचा सकता था, इसीलिए माइल्स इंस्पेक्टर सिंह और उस छोटी बच्चे को बचाने के लिए जाता है। हालांकि ग्वेन माइल्स को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसमें माइल्स की जान जा सकती थी, लेकिन माइल्स ग्वेन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस छोटी बच्ची के साथ ही इंस्पेक्टर सिंह को भी बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पवित्र प्रभाकर भी गायत्री को बचा लेता है, जिससे किसी की भी जान नहीं जाती, और अपनों को वापस से अपने साथ देखकर पवित्र प्रभाकर बहुत खुश था। अब मुंबाटन सिटी में एक अजीब सा डार्क मैटर फैलने लगा था और मुंबाटन सिटी उस डार्क मैटर के अंदर समा रही थी। डार्क मैटर को रोकने के लिए स्पाइडर वुमन जेसिका ड्रेव अपनी स्पाइडर मैन की टीम के साथ आ जाती है, जो इस डार्क मैटर को रोकने में लग जाती है। जेसिका ग्वेन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि ग्वेन अपने साथ माइल्स को मुंबाटन में ले आई थी और माइल्स ने अनजाने में इंस्पेक्टर सिंह को बचाकर मुंबाटन के कैनन इवेंट को खत्म कर दिया था, जिसका प्रभाव बाकी के स्पाइडर मैन के यूनिवर्स और पूरे मल्टीवर्स पर पड़ने वाला था। दरअसल स्पाइडर मैन के यूनिवर्स में एक कैनन इवेंट होता है जिसमें वो किसी अपने चाहने वाले को खो देते हैं, और इस कैनन इवेंट में कैप्टन सिंह की डेथ होने वाली थी। जेसिका ग्वेन को बताती है कि ओरा ने तुम्हें माइल्स के साथ हेडक्वार्टर बुलाया है, जिसके बाद माइल्स, ग्वेन, स्पाइडर पंक और जेसिका के साथ पोर्टल में से होते हुए अर्थ 928 के नुएवा यॉर्क सिटी में आ जाता है, क्योंकि ओरा का हेडक्वार्टर यहीं पर था और वो सारे मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन के साथ रहता था। हेडक्वार्टर पहुंचकर माइल्स देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्पाइडरमैन थे जो अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग टाइमलाइन से वहां पर आए थे। इतने सारे स्पाइडरमैन को देखकर माइल्स पूरी तरह से हैरान था। अब क्योंकि माइल्स किसी दूसरे यूनिवर्स में था, इसीलिए उसकी बॉडी में ग्लिच आने लगते हैं। माइल्स के प्रॉब्लम को देखते हुए जेसिका उसे एक वॉच देती है, जिसे पहनने के बाद उसकी बॉडी ग्लिच नहीं करेगी। हेडक्वार्टर में माइल्स अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन के साथ ही किसी दूसरे यूनिवर्स के अपने अंकल एरन से भी मिलता है, जिन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपने अंकल एरन को काफी मिस कर रहा था। इसके बाद माइल्स ग्वेन और स्पाइडर पंक के साथ मिगेल ओरा से मिलने के लिए उसके लैब की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम मिगेल ओरा को देखते हैं, जो सारे स्पाइडरमैन का लीडर था और उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था। मिगेल ओरा के लैब में पहुंचकर माइल्स देखता है कि मिगेल ओरा काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि माइल्स ने इंस्पेक्टर सिंह को बचाकर कैनन इवेंट को खत्म कर दिया था। मिगेल ओरा ग्वेन के ऊपर भी गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ही माइल्स मुंबाटन सिटी में गया था, लेकिन माइल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इंस्पेक्टर सिंह को बचाकर कौन सी गलती कर दी है और कैनन इवेंट क्या है। अब यहाँ पर पीटर पार्कर भी आ जाता है, जिससे मिलकर माइल्स बहुत खुश होता है। और अब पीटर की एक बेटी भी थी। मिगेल ओरा माइल्स को समझाता है कि किस प्रकार सारे स्पाइडरमैन का यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ में मिलकर एक नया मल्टीवर्स बनाते हैं।
हर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक कैनन इवेंट होता है जिसमें वो अपने किसी चाहने वाले को खो देते हैं, और अक्सर स्पाइडरमैन के चाहने वाले जिन्हें वो खोते हैं वो कैप्टन या फिर पुलिस ऑफिसर होते हैं। ऐसा हर एक स्पाइडरमैन के साथ होता है, और यही वो कड़ी है जो सारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स के कैनन इवेंट में कैप्टन सिंह की डेथ होने वाली थी, लेकिन माइस ने उन्हें बचाकर सब कुछ खत्म कर दिया। इसका असर पूरे स्पाइडर मल्टीवर्स पर पड़ने वाला था, और कैनन इवेंट के साथ छेड़छाड़ करने से पवित्र प्रभाकर का यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। माइल्स मिगेल ओरा से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पर मिगेल माइल्स को बताता है कि एक यूनिवर्स में वो बहुत खुश था और उसके पास वो सब कुछ था जिसे वो चाहता था, लेकिन एक दिन किसी ने उस यूनिवर्स में उसके रूप को मार दिया, जिसके बाद मिगेल ने उस यूनिवर्स में खुद अपने रूप का जगह ले लिया। लेकिन कैनन इवेंट में आए गड़बड़ी की वजह से उसके आंखों के सामने वो यूनिवर्स खत्म हो गया और उसके चाहने वाले मारे गए। अब माइल्स समझ जाता है कि कैनन इवेंट हर स्पाइडरमैन की लाइफ में जरूर होते हैं, और स्पॉट ने उसे जो विजन दिखाया था वो कैनन इवेंट के ही थे, जिसमें स्पेक्टर सिंह के साथ ही उसके डेड की भी डेथ हो गई थी। माइल्स के डेड जल्द ही कैप्टन बनने वाले थे, जिसके बाद एक कैनन इवेंट में उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन माइल्स अपने डेड को ऐसे नहीं मरने दे सकता था, इसीलिए अपने डेड को बचाने का डिसाइड करता है। मिगेल ओरा माइल्स को एक दीवार में कैद कर देता है ताकि वो अपने डेड को बचाकर कैनन इवेंट को होने से न रोके। और अब गेन के साथ ही सारे स्पाइडरमैन माइल्स के खिलाफ थे, क्योंकि उनको मिगेल ओरा की बातों पर विश्वास था कि माइल्स के अपने डेड के बचाने से कैनन इवेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसका असर पूरे मल्टीवर्स पर पड़ेगा। माइल्स किसी भी तरह अपने डेड को कैनन इवेंट से बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से कवच को तोड़ देता है और लैब की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, ताकि लैब में मौजूद डीएनए मशीन माइल्स के डीएनए को स्कैन करके उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेज दे और माइल्स अपने डेड को बचा सके। माइल्स को लैब की तरफ जाता देखकर मिगेल ओरा सारे स्पाइडरमैन को माइल्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने के लिए कहता है, और खुद भी माइल्स का पीछा करने लगता है। स्पाइडर पंक माइल्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वो पोर्टल खोलकर अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। माइल्स ग्वेन जेसिका पीटर मिगेल ओरा के साथ ही सारे स्पाइडरमैन से बचकर भाग रहा था, और वो सारे माइल्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। माइल्स काफी तेज था, इसीलिए वो किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे स्पाइडरमैन से बचकर आगे निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान पीटर माइल्स के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी बेटी देकर अपनी बातों में फंसा कर रखता है, ताकि उसके टीम मेंबर्स आकर माइल्स को पकड़ ले और उसे उसके यूनिवर्स में जाने से रोका जा सके। लेकिन माइल्स समझ जाता है कि ऐसा पीटर की एक चाल है, इसीलिए वो पीटर को उल्टा लटका कर वहाँ से निकल जाता है। ग्वेन के साथ ही सारे स्पाइडरमैन माइल्स का पीछा कर रहे थे, और माइल्स उन सब से बचकर भाग रहा था। अब भागने के दौरान माइल्स स्पेस में जा रही एक ट्रेन के ऊपर चिपक जाता है, लेकिन अब यहाँ पर मिगेल ओरा और बाकी के स्पाइडरमैन भी आ जाते हैं। मिगेल ओरा माइल्स पर हमला कर देता है, और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। मिगेल माइल्स से कहता है कि तुम गलती से स्पाइडरमैन बने हो, क्योंकि तुम्हें स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था। अगर तुम्हें स्पाइडरमैन ने नहीं काटा होता तो पीटर पार्कर अभी भी जिंदा होता, और उसने कभी भी कोलाइडर को डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया होता, जिससे सारी प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि इन सब का जिम्मेदार तुम खुद हो। माइल्स को मिगेल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में लोगों को बचाने के अलावा कोई भी गलत काम नहीं किया था। इसीलिए माइल्स मिगेल के सूट से इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक पल्स रिलीज करता है और मिगेल को खुद से दूर फेंक देता है। इसके बाद माइल्स ग्वेन और पीटर से विदा लेकर लैब की तरफ निकल पड़ता है। माइल्स ये देखकर बहुत दुखी था कि ग्वेन और पीटर भी उसे नहीं समझ पा रहे थे और उसके खिलाफ थे। अगले सीन में हम लैब में मार्गो केस को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि लैब में कोई तो आया है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हीट विजन के साथ ही और भी बहुत से एडवांस गॉगल्स और लेंस की मदद से लैब में चारों तरफ देखती है, लेकिन फिर भी उसे माइल्स मोरेलेस नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इस समय अपने इनविजिबल पावर की मदद से इनविजिबल था, और अपनी पावर का फायदा उठाकर वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो किसी भी स्पाइडरमैन के डीएनए को स्कैन करके उसे उसके यूनिवर्स में वापस
वापस भेज सकता था। अचानक से डीएनए मशीन को एक्टिवेट होता देखकर मार्गो केस पूरी तरह से हैरान थी और वो मशीन को ऑफ करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब इससे पहले कि माइल्स अपने यूनिवर्स में वापस जाता, वहाँ पर मिगेल आ जाता है जो माइल्स पर हमला करके उसे मशीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और मार्गो केस को किसी भी तरह मशीन को ऑफ करने के लिए कहता है। काफी कोशिश करने के बाद भी मिगेल और माइल्स को उसके यूनिवर्स में जाने से नहीं रोक पाता और माइल्स फाइनली मशीन की मदद से अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। माइल्स को ना रोक पाने से मिगेल बहुत गुस्से में था और वो ग्वेन को इन सब का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि अगर ग्वेन माइल्स को अपने साथ मुंबाटन नहीं ले गई होती तो माइल्स कैप्टन सिंह को नहीं बचा पाता और कैनन इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मिगेल गुस्से में ग्वेन को उसके यूनिवर्स में वापस भेज देता है और खुद जेसिका और बेन रियली के साथ माइल्स के यूनिवर्स में उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। ग्वेन अपने यूनिवर्स में वापस आकर जब अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके डेट्स हो रहे थे। अपने डेट को देखने के बाद ग्वेन बिना आवाज किए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब ग्वेन के डेट भी नींद से जाग चुके थे जो ग्वेन को जाते हुए देखकर उसे रोकते हैं और उसे बताते हैं कि अब उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और साथ ही उन्हें विश्वास हो गया है कि ग्वेन ने पीटर का खून नहीं किया था। ग्वेन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और अपने डेट के गले से लग जाती है। ग्वेन के डेट उसे समझाते हैं कि उनके लिए उसे जरूरी और कोई भी चीज नहीं है। ग्वेन के डेट उसे एक टेलीपोर्टेशन वॉच देते हुए बताते हैं कि यह किसी अजीब से दिखने वाले शख्स ने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। अब ग्वेन को समझ आ जाता है कि उसके डेट ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है तो अब वो कभी भी कैप्टन नहीं बनेंगे, जिससे अब कैनन इवेंट में उनकी डेट भी नहीं होगी। यानी कि अब सब कुछ बदल रहा था और मिगेल ओरा ने उसने जो कुछ भी बताया था वो पूरी तरह से सही नहीं था। इसीलिए ग्वेन माइल्स की मदद करने का डिसाइड करती है और पोर्टल खोलकर माइल्स के यूनिवर्स में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर भी अपनी छोटी बेटी के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आ गया था और अब शायद वो भी माइल्स की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि माइल्स सही है। माइल्स के यूनिवर्स में आकर मिगेल ओरा अपनी टीम के साथ चारों तरफ माइल्स को ढूंढने लगता है। माइल्स को ढूंढते हुए बेन रियली जब एक गली में जाता है तो वहाँ पर ग्वेन बड़ी चालाकी से बेन रियली की टेलीपोर्टेशन वॉच छीन कर उसे किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देती है। अगले सीन में हम माइल्स को देखते हैं जो अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो स्पाइडरमैन है। लेकिन माइल्स की मॉम को तो पता भी नहीं था कि स्पाइडरमैन क्या होता है, जो जानकर माइल्स पूरी तरह से हैरान था। माइल्स अपनी मॉम को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी माइल्स की बॉडी में एक ग्लिच आता है, जिसे देखकर माइल्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब माइल्स समझ जाता है कि वो इस समय अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स में है, क्योंकि उसे जिस स्पाइडर ने काटा था वो उसके यूनिवर्स की नहीं थी और इसी वजह से मशीन ने उस स्पाइडर के डीएनए को स्कैन करके माइल्स को स्पाइडर के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया था। यही वजह थी कि माइल्स की मॉम को स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वहाँ पर माइल्स के अंकल एरन भी आ जाते हैं, जो वैसे तो माइल्स के यूनिवर्स में मर चुके थे लेकिन इस यूनिवर्स में अभी भी जिंदा थे। माइल्स जब अपने अंकल के साथ रूफ टॉप पर जाता है तो उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसके अंकल की जगह उसके डेड की डेथ हो चुकी है, जिससे माइल्स बहुत दुखी होता है। अब अचानक से माइल्स पर कोई हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जो माइल्स के यूनिवर्स में अब उसके घर जाती है। उसे पता चलता है कि अब तक माइल्स वापस नहीं आया और जब माइल्स के मॉम डैड ग्वेन को अकेले देखते हैं तो उससे माइल्स के बारे में पूछते हैं, जिससे ग्वेन पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि माइल्स इस समय कहां पर है। ग्वेन माइल्स के मॉम डैड को विश्वास दिलाती है कि माइल्स जल्द ही घर वापस लौट आएगा और खुद माइल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब माइल्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसको बांध कर रखा गया था। माइल्स को लग रहा था कि यह सब उसके अंकल ने किया है, लेकिन यह उसके अंकल ने नहीं किया था बल्कि इस यूनिवर्स का माइल्स मोरेलेस था, जो अब अपने अंकल की तरह एक विलन बन गया था। माइल्स अपने इविल रूप से खुद को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके यूनिवर्स में उसके डेट की जान खतरे में थी, लेकिन इविल माइल्स ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। अगले सीन में हम स्पॉट को देखते हैं जो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वहीं दूसरी तरफ ग्वेन पीटर पार्कर के पास माइल्स को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगने के लिए जाती है। पीटर भी ग्वेन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है और ग्वेन अपनी पुरानी टीम और पवित्र प्रभाकर के साथ मिलकर माइल्स को ढूंढने
करने के लिए निकल पड़ती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम माइल्स को अपने उंगलियों से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हुए देखते हैं, यानी कि वह बड़ी आसानी से खुद को आजाद कर सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।